सच बताइएगा, आप में से कितने लोग हैं जिनको गौर गोपाल दास एक आइडियल लगते हैं? गौर गोपाल दास को सुनना, गौर गोपाल दास को देखना पसंद है? मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, और ये मेरा ऑनर एंड प्रिविलेज था कि मैंने लास्ट मंथ सुपर ग्रोथ समिट 2023 अटेंड किया, जहाँ पे मेन कीनोट स्पीकर थे गौर गोपाल दास। और इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ ऐसी 5 चीज़ें जो गौर गोपाल दास ने की, जो प्रूव करती हैं कि वो कितने क्लास स्पीकर हैं, कितने क्लास मोटिवेटर हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। ये लास्ट मंथ की बात है, करीब यूके के दोपहर हो रहा था, एंड आई रिमेम्बर्ड कि मैंने तो सुपर ग्रोथ समिट के लिए रजिस्टर किया था, एंड आई वेंट थ्रू द रजिस्ट्रेशन एंड फाउंड द लिंक, एंड जैसे ही मैंने लिंक को क्लिक किया, दे वर अनाउंसिंग दैट आवर नेक्स्ट स्पीकर इज गौर गोपाल दास। आई फेल्ट अमेजिंग, मुझे लगा बस यही था जो मुझे सुनना था। और जैसे ही गौर गोपाल दास आए, there were too many things happening. While I was listening, I was mesmerized by what he was saying, what he was trying to convey. As a coach and speaking coach and storytelling coach, I was also observing कि वो क्या क्या चीज़ें ऐसी कर रही हैं जिससे audience engaged है, जिससे audience उनको और सुनना चाहती हैं, और कुछ problems भी हुई थी, and इसी पे लेके मैंने कहा मैं ये video आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ. Okay. लेट्स टॉक अबाउट इट। जो पहली चीज़ है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने बहुत बार देखा है कि आप जूम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो गए, एंड उसके बाद आपका जो इंथूजियाज़म है जो यहाँ पे था, सडनली यहाँ चला जाता है। आपके फेस से, आपके एक्सप्रेशन से लगता है कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, लगता है कि आप क्यों टेक्नोलॉजी मेरी दुश्मन है। बट गौर गोपाल दास जी, उनके करीब 40 मिनट के कीनोट के बीच में कम से कम 4 या 5 बार ऐसा हुआ कि टेक्निकल डिस्टरबेंस आ गई, वो डिस्कनेक्ट हो गए, उनकी आवाज़ नहीं आ रही थी, बट एवरी सिंगल टाइम उनका इंथूजियाज़म यहाँ से यहाँ भी नहीं हुआ। उनका जो अप्रोच थी वो उतनी ही इंगेजिंग थी, वो उतने ही सिंसियरली प्रजेंट कर रहे थे। That is one key that we need to learn. कि अगर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर, एक अच्छा स्पीकर बनना है, तो टेक्निकल चैलेंजेस आर सपोज टू हैपन, दे विल हैपन, बट उसको आप ओवर पावर मत करने दो। आप अपना enthusiasm, अपना सिंसियरिटी टॉप क्लास ही रखो। टेक्निकल डिफिकल्टीज विल गो अवे, बट अगर आपका enthusiasm चला गया, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इट बैक। सो दैट वॉज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट आई हैड आफ्टर लिसनिंग टू गौर गोपाल दास। नंबर दो, जो बहुत ही बड़ा आहार मोमेंट था, नो योर ऑडियंस। गौर गोपाल दास जी को पता था कि ये जो सुपर ग्रोथ समिट है उसमें बहुत सारे कोचेस, मेंटर, स्पीकर्स, मोटिवेटर आने वाले हैं, तो उनका सारा टॉक, उनकी सारी कहानियाँ, उनके सारे एनेक्डोट्स, उनके सारे पॉइंट्स वेर ऑल अबाउट लीडरशिप, वेल ऑल अबाउट पीपल हु आर गोइंग टू इंस्पायर अदर जनरेशन। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है अगर आपको एक अच्छा स्टोरी टेलर स्पीकर बनना है, क्योंकि अनलेस यू नो योर ऑडियंस, अनलेस यू नो कि उनको क्या चाहिए, ऑडियंस इज ऑलवेज आस्किंग WIIFM, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिलने वाला है। अगर आप उनको ये नहीं दे पाएंगे, देन योर स्पीच विल नॉट बी सक्सेसफुल। सो दैट वॉज द सेकेंड बिगेस्ट आहा मोमेंट फॉर मी, वेर आई न्यू वॉट एग्जैक्टली आई एम लर्निंग by attending Gaur Gopal Das keynote. Number 3, as they say, humor connects human. अगर आप ह्यूमर ला रहे हैं तो आप लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के अंदर एक्साइटमेंट बन रहे हैं, एंड दे आर फीलिंग रियली कनेक्टेड। और गौर गोपाल दास के स्पीच में, गौर गोपाल दास के टॉक में, थ्रू आउट आफ्टर एवरी फ्यू मिनट देर वॉज सम ह्यूमर। कभी वो हस्बैंड वाइफ का ह्यूमर है, कभी वो फ्रेंड्स का ह्यूमर है, कभी वो जनरल सेल्फ डेरोगेटरी ह्यूमर है, एंड दैट इज वॉट मेक्स इट सो लाइवली एंड लाइट। इमेजिन कि आप 45 मिनट एक सेशन में हो, एंड इट इज कम्प्लीटली इंस्पिरेशनल एंड इज गोइंग वेरी डीप, वर्सेस आप एक ऐसे सेशन में हैं जहाँ पे आप मस्ती भी कर रहे हैं, हंसी भी कर रहे हैं, और आप कुछ डीप चीजें लर्न भी कर रहे हैं। विच वन यू वुड यू प्रिफर टू गो, टाइप इन द कॉमेंट, यू विल गो टू द room 1 और room 2। सो दैट वॉज द थर्ड बिगेस्ट आहा मोमेंट फॉर मी। इवन दो ही हैड अ वेरी डीप टॉपिक, अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, ही केप्ट इट लाइट, ही केप्ट ब्रिंगिंग लॉट ऑफ ह्यूमर थ्रू आउट।
नंबर फोर, जो चौथा पॉइंट मैंने नोटिस किया, सेकंड लास्ट पॉइंट नोटिस किया, वाज कि उनके हर पॉइंट के लिए एनालॉजीज थी, एनेक्डोट्स थे। एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट, क्यों एनालॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं? बिकॉज एनालॉजी और एनेक्डोट आपको याद दिलाते रहते हैं बहुत दिन बाद तक, बहुत हफ्तों बाद तक, बहुत सालों बाद तक कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, एग्जैक्टली आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, ही टॉक्ड अबाउट द स्टोरी ऑफ एन एनेक्डोट ऑफ हाउ इट्स सो इम्पॉर्टेंट टू बी रेलेवेंट एंड थिंकिंग अबाउट कस्टमर, एंड ही टॉक्ड अबाउट ब्लैकबेरी वर्सेज एप्पल, एंड पूरे थ्रू आउट द स्पीच पीपल केप्ट थिंकिंग अबाउट एंड केप्ट लुकिंग एट कस्टमर सर्वेज एंड चेंजिंग विद द चेंजिंग टाइम विद द एग्जाम्पल ऑफ ब्लैकबेरी वर्सेज एप्पल, एंड दैट वॉज सो मेसमराइजिंग। सो ब्रिंगिंग रेलेवेंट एनेक्डोट्स, एनालॉजीज, हाउ डू यू कंपेयर वन विद अदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट वॉज द फोर्थ वन दैट रियली मेसमराइज मी। और पांचवा और आखिरी था, उनके हर पॉइंट के लिए जो भी वो बताना चाह रहे थे गौर गोपाल दास जी, उनके पास स्टोरीज थी। करेक्ट, नो सरप्राइज हियर, राइट? यू आर एट द कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग शो, यू आर टॉकिंग टू कॉन्फिडेंस स्टोरी टेलिंग कोच, सो आई हैव टू टॉक अबाउट दैट। बट जोक्स अपार्ट, ट्रूली द मोमेंट ही स्टार्टेड ही सेड दैट टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोरीज, आज मैं स्टोरीज बोलने जा रहा हूँ, क्योंकि स्टोरीज इज वॉट वी remember long after everything is gone. So just like analogies and anecdotes, stories are so powerful. When he was talking about, उन्होंने इतनी सारी stories बताई 40-45 minutes के बीच में। He had a story of lighthouse and warship. He had a story of billionaire versus a servant friend. He has a story of blackberry versus apple. He has a story about when the lion goes forward, he looks back and sees the progress. That was truly incredible. So, agar aapko ek engaging speaker banna hai, agar aapko aisa powerful speaker banna hai, jaisa ki Gaur Gopal Das ji hain, आपको स्टोरीज बोलनी पड़ेगी, ठीक है? सो दैट वॉज माई फाइव इनसाइट्स आफ्टर वॉचिंग गौर गोपाल दास जी लाइव। आपको इसमें से कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और आपको गौर गोपाल दास जी की स्टाइल का सबसे बढ़िया चीज क्या लगता है, प्लीज कमेंट करके बताइएगा।